स्वयं रेखा नदी सदियों से सोना उगल रही है। यह नदी नहीं सुलझा है रहस्य। किसी नदी के बारे में ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन देश में एक ऐसी नदी है जिसकी रेत से सैकड़ों साल से सोना निकाला जा रहा है। हालांकि आज तक रेत में सोने के कण मिलने की सही वजह का पता नहीं लग पाया है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि नदी तमाम चट्टानों से होकर गुजरती है, इसी दौरान घर्षण की वजह से सोने के कण इसमें घुल जाते हैं। बता दें कि यह नदी देश के झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहती है। नदी का नाम स्वर्णरेखा है, कहीं कहीं से सुवर्णरेखा के नाम से भी पुकारते हैं। नदी का उद्गम रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर है। इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। सोने के कण कहां से आते हैं, ये है एक रहस्य। स्वर्णरेखा और उसकी एक सहायक नदी कुकरी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्णरेखा में सोने का कण कुकरी नदी से ही बहकर पहुंचता है। वैसे बता दें कि कुकरी नदी की लंबाई केवल 37 किलोमीटर है। यह एक छोटी नदी है। आज तक यह रहस्य सुलझ नहीं पाया कि इन दोनों नदियों में आखिर कहां से सोने का कण आता है। झारखंड में तमाड़ और सरांदा जैसी जगहों पर नदी के पानी में स्थान या आदिवासी रेत को छानकर सोने के कण इकट्ठा करने का काम करते हैं। इस काम में कई परिवारों की पीढ़ियां लगी हुई है। पुरुष, महिला और बच्चे ही घर के हर सदस्य की रूटीन का हिस्सा है। यहाँ के आदिवासी परिवारों के कई सदस्य नींव में रेत छान कर दिन भर सोने के कण निकालने का काम करते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद सोने के एक या दो कण निकाल पाता है। नदी से सोना छानने के लिए बेहद धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। एक व्यक्ति माह भर में 60 सेकंड 80 सोने के कण निकाल पाता है। हालांकि किसी माह में यह संख्या 30 सेकंड कम भी हो सकती है। ये कण चावल के दाने या उससे थोड़े बड़े होते हैं। रेत से सोने के कण छानने का काम साल भर होता है। सिर्फ बाढ़ के दौरान 2 माह तक काम बंद हो जाता है। रेत से सोना निकालने वालों को एक कण के बदले 80 सेकंड 100 रुपए मिलते हैं। एक आदमी सोने के कण बेचकर माह भर में 5 सेकंड 8000 रुपए कमा लेता है। हालांकि बाजार में इस एक कण की कीमत करीब 300 रुपए या उससे ज्यादा है। स्थानीय दलाल और सुनार सोना निकालने वाले लोगों से ये कण खरीदते हैं। कहते हैं कि यहाँ के आदिवासी परिवारों से सोने के कण खरीदने वाले दलाल और सुनारों ने कारोबार से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। स्वर्णरेखा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड के जिस इलाके में सोने के कण को निकालने का काम किया जाता है वह बेहद जंगली इलाका है। ये नक्सलियों के गढ़ के रूप में भी कुख्यात है। भले ही सोने के कण निकालने वाले आदिवासियों की आर्थिक हालत बदतर हो, लेकिन काम में सक्रिय दलाल और सुनारों ने इससे काफी संपत्ति बनाई है।